हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo Y33s एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है डबल टैप टू वेक सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये डबल टैप टू वेक सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए यहां पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ही ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट मोशन, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डबल टैप टू वेक। डबल टैप टू वेक इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है तो ये बटन आपका ब्लू कलर में ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी ये सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अब ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए दोस्तों, आपकी ये सेटिंग जो है ना आपको स्क्रीन को ऑफ करना है, ठीक है, अपने फ़ोन की स्क्रीन को ऑफ करना है। अब आपको करना क्या, मोबाइल फ़ोन की ऑफ स्क्रीन पे आपको डबल टैप करना है इस तरीके से, जल्दी जल्दी आपको दो बार टैप करना है इस तरीके से। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डबल टैप टू वेक सेटिंग जो है इनेबल करने के बाद ऐसे काम करती है आपके मोबाइल फ़ोन में। अब मैं आपको ये डबल टैप टू वेक सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका भी बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर सर्च आइकन आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है डबल टैप टू वेक, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा डबल टैप टू वेक का। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब ये ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग पेज में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।